हेलो गाइस, वेल वेलकम है आप सबको मेरे चैनल में। मैं हूँ शुलता, मैं हूँ शुलता। सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों को मेरे चैनल पर। मैं हूँ शुलता। एक्चुअली आज मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट लाइन ऐसे क्यों कहा। क्योंकि क्योंकि बहुत दिनों से एक्चुअली मुझे एक रिक्वेस्ट आ रहा था, मेरे एक सब्सक्राइबर कह लीजिए या फिर मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड कह लीजिए, एंड उनसे बातें भी होती रहती है, तो वो मेरे लाइव में आते रहते हैं। एंड उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक स्टैमर या फिर हकलाना इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। तो एक्चुअली मैं सोच तो रही थी, ये रिक्वेस्ट मुझे आए हैं आई थिंक एक हफ्ता पहले हो गया है, एक हफ्ता के ऊपर हो गया है ये रिक्वेस्ट आया है। तो मैंने उन्हें कहा था ठीक है, मैं ज़रूर बनाऊंगी, बनाने की कोशिश करूंगी, पर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि इसके ऊपर मैं सोच रही थी मैं क्या वीडियो बनाऊँ क्या वीडियो बनाऊँ। एंड मैंने सोचा, मैंने कहा मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करूँ, थोड़ा बहुत सर्च करूँगी क्या है इसके ऊपर, कोई वीडियो है कि नहीं ऐसा फ़नी वीडियो या फिर ऐसा कुछ। तो मैंने एक्चुअली बहुत सारे वीडियोज़ देखे एंड सर्च किए, तो इसके बाद मुझे लगा, मैं पहले से ही सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर कोई फ़नी वीडियो बनाऊं या फिर कुछ स्टोरी शेयर करूं या फिर अपना ओपिनियन शेयर करूं। तो मैंने सबसे अच्छा समझा कि मैं अपना एक ओपिनियन शेयर करती हूं विथ माय दिस वीडियो आल्सो। बहुत सारे स्टोरीज इसके ऊपर हैं, मैंने देखी हैं, एंड मतलब मैं रियली कन्फ्यूज थी कि मैं इसके ऊपर क्या एक्चुअली शेयर करूँ, स्टैमर के ऊपर या फिर ऐसे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बात करते हैं एंड कभी कभी हम लोग उनका बहुत मजाक भी उड़ाते हैं पीछे से या फिर सामने से ही बहुत मजाक उड़ाते हैं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते, ज़्यादा टाइम देना पसंद नहीं करते। जब भी वो बात करते रहते हैं, हम लोग घड़ी देखते रहते हैं, तो लाइक दैट, क्योंकि हमें पता होता है कि उनका सेंटेंस बहुत बड़ा होगा, बहुत टाइम लगेगा एक सेंटेंस बोलने में, तो दैट टाइम में हम एक नॉर्मल फ्रेंड से 10 और बातें कर लेंगे। पर आई डोंट नो अबाउट दैट, मेरी एक फ्रेंड थी ऐसी, एंड बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उसका माइंड बहुत अच्छा था, एंड बहुत दिनों तक वो मेरी फ्रेंड रही है एंड आज भी मेरी फ्रेंड है। पर जो भी हो, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया है। तो मैंने वही सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर क्या वीडियो बनाऊँ, मैं क्या कोई फ़नी वीडियो बनाऊँ। फिर मैंने सोचा फ़नी वीडियो बनाना मुझसे नहीं होगा, इन मतलब एक फ़न लेना, एक मजाक उड़ाना, ये मुझसे नहीं होगा, तो क्यों ना ऐसा वीडियो बनाते हैं जहाँ पर हम इनके जैसा थोड़ी देर बात करके देखते हैं। जी हाँ, हम लोग तो कभी कभी मजाक उड़ा देते हैं मन मन में, कभी तो कुछ ना बोल ही देते हैं, तो क्यों ना हम लोग अगर कुछ टाइम तक इनके जैसे बात करके देखें तो कैसा फील होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ऐसा ही कुछ वीडियो बनाया जाए। तो लाइक अगर मैं आपको एक सेंटेंस नॉर्मली बोलती हूँ कि मेरा नाम शुलता है, तो मैं अगर ऐसे बोलूँगी तो कितना, मतलब हमें खुद को कैसा लगेगा। तो आई थिंक थोड़ी बहुत हमें समझ आएगी, थोड़ी बहुत, हमें पूरी समझ तो नहीं आएगी ये मैं कह सकती हूँ, पर थोड़ी बहुत इतना समझ आएगा कि हाँ कितना टाइम लगता है, कि कैसा फील होता है। तो देखते हैं बोलकर, लाइक अगर मैं नॉर्मली कहती हूँ कि मेरा नाम शुलता है एंड मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो अगर मैं ऐसे कहूँगी, स्टैमर होके कहूँगी, तो फिर कैसा होगा। मेरा नाम शुलता है एंड मैं एक यूट्यूबर हूँ, सॉरी नहीं हो रहा है थे, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे वीडियो पोस्ट करती हूँ जो सब देखते हैं, देख के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स शेयर करते हैं एंड बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजते हैं। जी जी जिन्हें मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ। सो ही एवरीवन, आपने देखा अगर मैं ये फ्लुएंटली बोलती तो कितना जल्दी होता, पर अगर मैंने ऐसे बोला है तो कितना टाइम लगा है। एक बाय बोलने में भी बहुत टाइम लग जाता है। अगर मैं
सोच सेंटेंस बोल रहे तो हैं. मतलब तो आई थिंक आजकल हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत अवेयरनेस हो गए हैं, हम बहुत अलर्ट हो गए हैं. हम लोग आई थिंक इन सब सारी चीज़ों का भी मजाक नहीं उड़ाते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी हमें हमारे फ्रेंड्स से हम सोचते हैं अगर मेरे भाई बहन अगर कोई ऐसा होता है, अगर मैं खुद ऐसी होती तो फिर क्या होता, अगर मैं खुद ऐसी होती अगर मुझे लेकर कोई मजाक वगैरह उड़ाते तो फिर मुझे कैसा कैसा लगता, मुझे कैसा फील होता. तो वैसे ही हम मैं भी कभी कभी सोचती हूँ. तो मैंने इसीलिए मैंने इसके ऊपर कोई फ़नी वीडियो बनाने का कोई मुझे अच्छा नहीं लगा इसके ऊपर मैं कोई भी फ़नी वीडियो बनाऊँ. और जितना भी मैंने किया है मैंने जस्ट बोलने की कोशिश की है, मुझे पता है ये फीलिंग्स मुझे नहीं आएगी, मैं कभी समझ भी नहीं पाऊँगी उनके फीलिंग्स को, पर हाँ मैं उनको रेस्पेक्ट कर डिसरेस्पेक्टली आई थिंकली मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं कहा है, ऐसा कुछ वीडियो नहीं बनाया है. पर हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी अगर आप लोग कोई भी मेरे वीडियो देखकर देख रहे हो तो मैं यही कहूँगी अगर आप लोग भी मजाक वगैरह उड़ाते हो, अपने आप में हंसते हो, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा. क्योंकि अगर आप सोचिए अगर आपके साथ ऐसा कभी हो जा होता अगर आपका मतलब अगर आपके साथ ऐसा होता, अगर कभी हो जाता तो फिर क्या होगा. तो आई थिंक बस मुझे यही कहना था आप लोगों से. एंड एक और बात मैं ज़रूर कहूँगी, जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनकी इस चीज़ से वो गुजर रहे हैं, तो मैं इतना कहूँगी ये भी ठीक हो सकता है. अगर आप चाहो, अगर आपके मन में मतलब क्या बताऊँ इच्छा होती है, अगर आप इसको डिटरमाइंड हो जाओ कि मुझे ये दूर करना है तो आप इसे दूर कर सकते हो. अभी हमारी मॉडर्न साइंस या फिर कह लीजिए ट्रीटमेंट की इतनी मॉडर्निटी आ गई है कि हम लोग अभी बहुत सारे युद्ध से आगे बढ़ सकते हैं. लाइक मैं जैसे कह रही थी, मेरी एक फ्रेंड थी, उसको ये प्रॉब्लम था एंड वो इतना नहीं करती थी, बहुत कम करती थी, बहुत टाइम लेकर करती थी. तो डैट टाइम तो हम छोटे थे, फिर भी हमने कभी इन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाया है, क्योंकि हमारे घर से वैसे ही परवरिश मिली है हमें कि इन सारी चीज़ों को हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. तो हम लोग नॉर्मली उससे बात तो करते थे, पर आज वो एकदम परफेक्ट है, आज वो एकदम ठीक हो गई है. वो नॉर्मली बात करती है. एक्चुअली उसने अपनी कोशिश से ये पूरा ठीक किया है, क्योंकि मैं कह रही हूँ उसको उतना प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा बहुत था, पर हाँ आज वो एकदम परफेक्टली बात करती है. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप मन चाहो, अगर आपकी मर्ज़ी हो, अगर आपकी इच्छा हो, तो आप इसे ठीक कर सकते हो. ये छोटा सा एक मैसेज भी मुझे आप लोगों को देना था. उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी अगर आप हो तो फिर कॉन्फिडेंट रहो, इस चीज़ को लेकर इतना सोचो मत कि मैं हूँ, मैं बाहर जाकर ये बोलूँगी या फिर बोलूँगा तो फिर क्या सोचेंगे. आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से अपने आप को कवरअप कर सकते हो, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो यार, क्योंकि आप लोगों ने तो बचपन से ये सब सुना है, बचपन से देखा है. तो बस यही था. एंड हम लोगों को भी इस चीज़ को लेकर कभी कोई मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. तो जाते जाते मैं यही कहूँगी, वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, मैंने कोई अच्छी मैसेज यहाँ पे शेयर की हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी को कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं की है. मैंने जिसने रिक्वेस्ट किया था उनका रिक्वेस्ट भी थोड़ा बहुत रखा है. एंड बस मैंने कोशिश की है कि अगर मैं ऐसा बोलती तो कैसा होता, दूसरे लोग क्या सोचते, क्योंकि जब ऐसा बोलते हैं ना तब बहुत सारे लोग ना टाइम देखते हैं, अपना घड़ी देखते हैं कि कितना टाइम हो गया. सबसे बड़ी बात क्या है, हम एवरी डे हमारे साथ ऐसा होता है. मैं ये जाते जाते आप लोगों को बोलना चाहती थी, ये पॉइंट मेरे माइंड से जा रहा था. हमारा एवरी डे टंग ट्विस्ट होता है कि नहीं, आप लोग बोलो. कभी भी कुछ बोलने से, मैं तो एवरी लाइफ में जब आती हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं मेरे, उनसे बात करते करते मेरा टंग ट्विस्ट कभी कभी हो जाता है. तो वो भी एक तरह का छोटा पार्टी आप बोल दो, हकलाना ही हो गया ना. लाइक अभी भी मैंने अपने वीडियो को तैयार करते हुए कभी कभी ऐसा मतलब हो गया, टंग ट्विस्ट मेरा हो गया है, एडिट करने के टाइम मुझे देखने को मिलेगा. हमारे साथ एवरीडे ऐसा होता है, हम लोग कभी कभी एक वर्ड के बाद एक वर्ड बोलना भूल जाते हैं. मेरे साथ तो होता ही है ऐसा, बोलना भूल जाते हैं, कभी टंग ट्विस्ट हो जाता है. तो ये सारी चीज़ नॉर्मल है यार, बस नॉर्मली लो.
अच्छे से रहो, और क्या जो भी जितने भी दिन है अच्छे से गुजारो यार, इन सारी चीज़ों के बारे में मत सोचो। बस एक छोटा सा मैसेज देना था एंड मेरी एक फ्रेंड का रिक्वेस्ट भी पूरा करना था। तो आज के वीडियो इतना ही, अगर अच्छा लगा हो, अगर कुछ भी यहाँ से मैंने पॉजिटिव आप लोगों को शेयर किया हो तो लाइक करना मत भूलना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, एंड जो लोग नए हो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारे फनी वीडियोज़ आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। एंड सारे लिंक्स, कुछ कुछ लिंक्स आप लोगों को आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय।